Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on types of larvae. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट में पाए जाने वाले लार्वा पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ लार्वी विच आर प्रेजेंट अमोंग इंसेक्ट. अब इंसेक्ट में पाए जाने वाले जो लार्वा है, इनका सबसे पहले जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, ये बर्डलीज नामक साइंटिस्ट ने दिया था. द फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लार्वी वाज प्रपोज्ड बाय बर्डलीज इन 1913. अब इंसेक्ट में पाई जाने वाली जो लार्वा है, इनको चार बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है या चार बेसिक टाइप में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट टाइप इज प्रोटोपोड लार्वी, सेकेंड टाइप इज ऑलिगोपोड लार्वी, थर्ड टाइप इज पॉलीपोड और इड्यूसीफॉर्म लार्वी, एंड फोर्थ टाइप इज एपोडस और वर्मीफॉर्म लार्वी. तो लार्वी को चार बेसिक क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोटोपोड, ओलिगोपोड, पॉलीपोड और एपोड या वर्मीफॉर्म. इनकी भी सब टाइप्स हैं. अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये लार्वी की बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है और उसके अंदर अपेंडेजेस कितने हैं, क्योंकि एडल्ट इंसेक्ट में तो आप देखते हो कि केवल थोरेक्स में ही टांगे होती है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स. लेकिन लार्वी के अंदर थोरेक्स में भी कई बार अपेंडेजेस होते हैं, कई बार इनके एब्डोमेन में भी अपेंडेजेस होते हैं. तो इन अपेंडेजेस की संख्या कितनी है, अपेंडेजेस टोटली एब्सेंट हैं या कम संख्या में हैं या ज़्यादा संख्या में हैं, उनकी बेसिस पे ये इन लार्वा का क्लासिफिकेशन है. तो सबसे पहली जो टाइप है प्रोटोपोड लार्वी, ये लार्वी हाइमनोप्टेरा के पैरासिटिक हाइमनोप्टेरा जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है. यानी हाइमनोप्टेरा के वो इंसेक्ट जो किसी दूसरे इंसेक्ट की बॉडी में या दूसरे होस्ट की बॉडी में परजीवी के रूप में रहते हैं, तो पैरासिटिक हाइमनोप्टेरा के जो इंसेक्ट है उनके अंदर इस टाइप की लार्वी पाई जाती है. और एक एग्जाम्पल इसमें और है प्लेटिगेस्टर हेमिकाई, तो प्लेटिगेस्टर के अंदर भी इस तरह की लार्वी जो होती है वो पाई जाती है. अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जो पैरासिटिक हाइमनोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं इनके अंडों में योग बहुत कम होता है. एग ऑफ दीज इंसेक्ट्स कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग. अब योग की मात्रा कम होती है तो इसके अंदर लार्वा जो होता है वो अर्ली स्टेज के अंदर इमर्ज हो जाता है, अर्ली स्टेज में इसकी हैचिंग हो जाती है और ये लार्वा किसी हाईली न्यूट्रिटी मीडियम के अंदर डेवलप होता है, क्योंकि इंसेक्ट है वो तो किसी होस्ट के अंदर है और रिसेंट के अंडों से जो लार्वा निकला वो लार्वा होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहेगा. और ये जो होस्ट की बॉडी जो होती है इसके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल का जो मीडियम होता है, पोषक माध्यम जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है. तो हाईली न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर इन लार्वी का फिर डेवलपमेंट होता है. एक एग्जाम्पल इसमें और है प्लेटिगेस्टर हेमिकाई, ये इंसेक्ट फैमिली प्लेटिगेस्टरिडी का है. अब इस इंसेक्ट में जो लार्वा निकलते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते, प्री मैच्योर होते हैं. इनके लार्वा में एब्डोमेन में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, थोरेक्स में सेगमेंटेशन जरूर मिलेगा, थोरेक्स में प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, लेकिन एब्डोमेन जो होता है वो एक बैलून के समान
बैलून लाइक है, एक फूली रचना के रूप में इसके अंदर पाया जाता है। नर्वस सिस्टम इसमें इल डेवलप्ड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इल डेवलप्ड होता है, और सिफेलोथोरेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड है, और वो पावरफुल जबड़े जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। पावरफुल जो यानी मैंडिबल्स, मैंडिबल्स पावरफुल होते हैं, सिफेलोथोरेक्स वेल डेवलप्ड है। अब ये जैसे एक लार्वा की फिगर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, इसका प्लेटिकेस्टर का ऐसे आप देख रहे हो, ये इसका सिफेलिक पार्ट है, हेड पार्ट। ये इसमें थोरेक्स के तीन सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और थोरेक्स के जो थोरेक्स में जो है वो अपेंडेजेस इल डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड नहीं है। थोरेक्स की जो टांगे हैं वो एक छोटे बड के रूप में, छोटी नोड्यूल रूपी स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है। और हेड के अंदर आप देख रहे हो ओरल अपर्चर यानी माउथ है, इसके अंदर पाया जाएगा। एंटीना इसके अंदर प्रेजेंट है, मैंडिबल इसमें प्रेजेंट है, मैक्सिला प्रेजेंट है। तो सबसे सिंपल टाइप का जो लार्वा है वो कौन सा है, प्रोटोपोड टाइप का, और प्रोटो मीन्स ये प्रोटोटाइप, ये बेसिक टाइप का है। जिस तरह क्लासिफिकेशन में प्रोटो शब्द जहाँ भी आएगा इट मीन्स वो प्रीमिटिव है, प्राथमिक प्रकार का है, प्राइमरी टाइप का है, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन, प्रोकैरियोट। तो प्रो शब्द जहाँ भी आ रहा है इट मीन्स इट इज प्रीमिटिव टाइप। सेकेंड टाइप जो लार्वी है दैट इज ओलिगोपोड लार्वी। अब ओलिगो में नाम से स्पष्ट है, ओलिगो का मतलब लेस या फ्यू इन नंबर। इस तरह के जो लार्वा होंगे इनमें उपांगों की संख्या, अपेंडेजेस की संख्या कम होगी। और ओलिगोपोड लार्वी है इसको भी पांच बेसिक सब टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज कंपोडिफॉर्म, सेकेंड टाइप इज कैरेविफॉर्म, थर्ड टाइप इज एलेटेरिफॉर्म, फोर्थ टाइप इज प्लेटिफॉर्म, एंड फिफ्थ टाइप इज स्क्रैबिटफॉर्म। तो ओलिगोपोड लार्वी है ये भी पांच टाइप के होते हैं। इन सब के करेक्टर्स क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। कंपोडिफॉर्म जो है, इस तरह के लार्वा न्यूरोप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं, कॉलियोप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं, स्टेप्सिप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं, और ऑर्डर टाइकोप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं। इन लार्वा की बॉडी चपटी होती है, बॉडी इज फ्लैटन्ड, इनकी टांगे लंबी होती है, लेग्स आर लॉन्ग, इनकी एंटीना लंबी होती है, एंटीनीज आर लॉन्ग, और सरसाई लंबी होती है। सरसाई यानी एब्डोमन के लास्ट पार्ट में जो ये फिलामेंट की जैसी जो स्ट्रक्चर है, ये इसका एक फिगर है। और इसमें जो कंपोडिफॉर्म जो नाम रखा है वो इसलिए दिया है कि ये जो लार्वी है ये कंपोडिया से मिलते जुलते होते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दो, इसमें दिस लार्वी इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ न्यूरोप्टेरा, मेंबर्स ऑफ कोलियोप्टेरा, मेंबर्स ऑफ स्टेप्सिप्टेरा, मेंबर्स ऑफ ट्राइकोप्टेरा। और ये इंसेक्ट की बॉडी है वो फ्लैटेंड होती है, टांगे इनकी लंबी होती है, एंटीना लंबी होती है, सरसाई लॉन्ग होती है, और ये एक कंपेटिफॉर्म लार्वी का जैसे डायग्राम यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है। अब इसकी सेकंड जो टाइप है दैट इज कैरेविफॉर्म। अब कैरेविफॉर्म ये शब्द है ये कैरेविडी फैमिली से लिया है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा में कैरेविडी फैमिली है, उसके अंदर बीटल्स होती है, उन बीटल्स के अंदर इस तरह के लार्वे पाए जाते हैं। तो इस लार्वा रिजेंबल्स टू कैरेबिड बीटल्स, ये जो लार्वा है वो कैरेबिड बीटल्स के साथ समानता रखते हैं। इनकी टांगे छोटी होती है, सरसाई लंबी होती है, एग्जाम्पल कैरेबिड बीटल्स। तो कैरेबिड फैमिली के जो सदस्य होते हैं ये विशेषकर डंग बीटल्स होती है, अपने यहाँ चूरू के भी सैंड ड्यून्स में ये बीटल्स काफ़ी प्रचुर संख्या में पाई जाती है। तीसरी टाइप है इसमें इलेटेरिफॉर्म। ये जो लार्वी होते हैं ये चिक बीटल से मिलते जुलते होते हैं, दे रिजेंबल्स, लार्वी रिजेंबल्स टू चिक बीटल्स। इनकी बॉडी बेलनाकार होती है, बॉडी इज सिलिंड्रिकल, इनका हेड
सेपरेट होता है, पृथक होता है, हेड इज डिस्टिंक्ट, इनकी टांगे छोटी होती है, लेग्स आर शॉर्ट, और इनकी क्यूटिकल है वो स्मूथ होती है, इनकी सरफेस चिकनी होती है लेकिन क्यूटिकल हार्ड होती है, क्यूटिकल इज स्मूथ बट इट इज हार्ड। और ये जो लार्वी है ये इलेटेरिडी फैमिली के जो बीटल्स होती है, इस फैमिली के भी बीटल्स अपने यहाँ मिलती है, फैमिली इलेटेरिडी, ये भी कोलियोप्टेरा की काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है। चौथी टाइप है इसमें प्लेटिफॉर्म, प्लेटिफॉर्म में नाम से स्पष्ट है, प्लेट के जैसे, यानी ऐसे लार्वी जो दिखने में चपटी हों, फ्लैटेंड जिनकी बॉडी हो। तो ये जो लार्वी है इनकी बॉडी फ्लैट होती है, बॉडी चपटी होती है, इनमें थोरेक्स में टांगे प्रजेंट भी हो सकती है, एबसेंट भी हो सकती है, थोरेसिक लेब मे बी प्रजेंट और मे बी एबसेंट, और थोरेक्स की जो टांगे हैं वो छोटी है, लेग्स आर वेरी शॉर्ट, टांगे लंबी नहीं है, जैसे इसमें दिखाई थी उस तरह की लंबी टांगे इसमें नहीं है, लेग्स आर वेरी शॉर्ट। हाँ, लास्ट वेराइटी है इसमें स्क्रैबिडीफॉर्म, स्क्रैबिडी फैमिली है, ये भी ऑर्डर कोलियोप्टेरा की है, और इसके अंदर डग बीटल्स हैं, और अपने यहाँ चूरू में सेंड्यून्स में भी इस फैमिली की बीटल्स काफ़ी संख्या में हैं। तो स्क्रैबी फॉर्म जो लार्वी होगी इनकी बॉडी स्टाउट होती है, यानी मजबूत होती है, ये दिखने में सी के आकार के होते हैं, सी शेप, इनकी थोरेसिक टांगे छोटी होती है, थोरेसिक लेग्स आर वेरी शॉर्ट, इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है लेकिन दिखने में मासल टाइप की है, बॉडी सॉफ्ट बट लुक्स लाइक फ्लैसी। कॉडल प्रोसेस नहीं पाया जाता है इस लार्वी में, आप देख रहे हो एब्डोमन का जो लास्ट पार्ट है इसमें कोई कॉडल फिलामेंट सरसाई जैसी कोई स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नहीं है, और इसके मेन एग्जांपल है बीटल्स ऑफ फैमिली स्क्रैबिडी। तो स्क्रैबिडी फैमिली की जो बीटल्स हैं उनके लार्वी इस तरह के होते हैं। तो ये पांच सब टाइप्स होगी ओलिगोपोड लार्वी की, और ओलिगोपोड शब्द इसलिए लिया है कि इसमें जो टांगे हैं या जो अपेंडिजेस हैं उनकी संख्या कम है, और अपेंडिजेस मेनली थोरेक्स में ही रेस्ट्रिक्टेड है, एब्डोमन के अंदर कोई अपेंडिजेस ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब तीसरी टाइप के जो लार्वा है दैट इज पॉलीपोड, इसको इरुसीफॉर्म लार्वी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर नाम से स्पष्ट है पॉलीपोड, पॉली यानी इस तरह के जो लार्वी होंगे इनमें टांगों की संख्या ज़्यादा होती है, इनमें अपेंडेजेस थोरेक्स में तो होंगे ही होंगे, थोरेक्स के अलावा एब्डोमन में भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो लार्वी होती है ये लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, सो फ्लाई में पाई जाती है, स्कॉर्पियन फ्लाई में पाई जाती है, और इनके अंदर सेगमेंट जो होते हैं वह वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने बताया था कि इंसेक्ट की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटल प्लान पर आधारित होती है, और एक इमेच्योर एम्ब्रियो जो होता है उसमें टोटल 20 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले जो 6 सेगमेंट हैं वो हेड की फॉर्मेशन करते हैं, 1 to 6, 7, 8, 9 नंबर के सेगमेंट हैं वो थोरेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, और 10 से 20 तक के जो सेगमेंट हैं वो एब्डोमन की फॉर्मेशंस करते हैं। तो इस तरह के जो लार्वा होंगे इसमें इनकी जो पूरी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट जो है वेल डेवलप्ड हैं, प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल लेग्स, अब इनके एब्डोमन के अंदर टांगे पाई जाती है, थोरेक्स में तो होती है, इनके लार्वा में एब्डोमन में टांगे होती है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस जब होगा उसमें थोरेक्स की टांगे तो डेवलप हो जाएगी लेकिन एब्डोमन की जो टांगे होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है, एट्रोफिट हो जाती है। ट्रैकियल सिस्टम इसमें पेरिन्यूस्टिक प्रकार का होता है, एंटीना छोटी होती है, और ये जो लार्वी है ये हमेशा फूड सोर्स के निकट ही रहेंगे, इनमें कोई ज़्यादा माइग्रेशंस नहीं होता है, और जहाँ पर इनको अबंडेंस क्वांटिटी में फूड मिल जाए उस फीडिंग एरिया के चारों तरफ ये जो लार्वी है हजारों की संख्या में उसके सराउंडिंग एरिया में ये प्रजेंट रहेगी, और फीडिंग साइट को ये छोड़ के नहीं जाते हैं। और हाइमनोप्टेरा के जो लार्वी है यानी हनी भी है जैसे वास्प हैं, इनके सदस्यों में 10 जोड़ी ट्रंक अपेंडेजेस,
यानी एब्डोमेन में 10 पेयर अपेंडिजेस पाए जाते हैं। इबेलिया इंसेक्ट है, इसके अंदर 12 जोड़ी अपेंडिजेस पाए जाते हैं, और इनमें जो स्पाइरिकल जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, इसलिए शब्द मैंने काम लिया पेरिटोस्टिक। ये जैसे अब देखो ये लार्वा का एक फिगर है, पूरा लार्वा सेगमेंटल प्लान है और हर सेगमेंट में अब देख रहे हो ये अपेंडिजेस प्रेजेंट है, और इनकी जो डोर्सल सरफेस होती है वो वेलवेट टाइप की होती है, इसके ऊपर सूक्ष्म जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। और तितलियों के अंदर, मौत के अंदर इस तरह के जो लार्वा जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और अपने खेतों में जो कातरे जो होते हैं, कातरे आपने देखे होंगे खेतों में, जब जून जुलाई का महीना होता है रेनी सीजन में बाजरे की सिट्टे हैं, मोठ मूंग के जैसे बेलें होती है, उनको ये खा जाते हैं। तो कातरे हैं वो इस तरह की स्ट्रक्चर है, कातरे हैं ये एक तरह के पॉलीपोड टाइप के या इरियोसीफॉर्म टाइप के लार्वी होते हैं। अब चौथी जो टाइप है इसमें वो है एपोडस, एपोडस ए मीन्स एबसेंट, इसके अंदर अपेंडिजेज एबसेंट होंगे, और अपेंडिजेज एबसेंट होते हैं तो ये जो लार्वी होते हैं ये दिखने में केंचुए के जैसे दिखाई देंगे, हैं जैसे कोई वर्म हो, कोई कृमि हो, तो कृमि के समान ये लार्वी होते हैं, इसलिए इसको वर्मी फॉर्म का नाम भी दिया है। और ये जो लार्वी होते हैं लेगलेस हैं, टांगे नहीं होती इसमें अंदर, बॉडी इनकी रोबस्ट होती है और सी की आकृति के होते हैं। ये इंसेक्ट जब भी आप जमीन में खेतों में देखोगे तो सी की तरह इस तरह यूँ बैंड बैंड फॉर्म में मिलेंगे, सीधे नहीं होंगे, सी शेप, लुक लाइक दे अपीयर्स लाइक सी शेप। अब ये जो लार्वी हैं ये भी तीन तरह की हैं, एक तो क्रूसीफॉर्म, सॉरी कर्क्योलोनॉइड फॉर्म, इसको यू सिफेलस लार्वी भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप है इसमें मस्कॉइड, इसको एसिफेलस लार्वी भी बोलते हैं, और तीसरी है एपोइड टाइप। पहली जो टाइप है कर्क्यूलियोनॉइड या यूसिफेलस, इन लार्वा की बॉडी रोबस्ट होती है यानी मजबूत है, सी की शेप होते हैं, सी की आकृति के होते हैं, हेड इनका वेल डेवलप्ड होता है, और इस तरह के जो लार्वी होते हैं कोलियोप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं, डिप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप है मस्कोइट, इसको एसिफेलस लार्वी के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरह की जो लार्वी होती है ये दिखने में तर्कुरूपी होती है, स्पिंडल शेप, ट्रंकेट टाइप की इनकी बॉडी होती है, इनको मैगट के नाम से भी जाना जाता है, और एग्जांपल है इसमें डिप्टेरा के इंसेक्ट, ऑर्डर डिप्टेरा के जो सदस्य हैं उनके अंदर इस तरह की लार्वी पाई जाएगी। और तीसरी सब टाइप है इसमें एपोइड टाइप, इस तरह के जो लार्वी होते हैं ये भी रोबस्ट होते हैं, बॉडी इनकी रोबस्ट होती है, स्टाउट होती है, इनका हेड डेवलप्ड होता है, और केयर फॉर द डेली फीडिंग, और रोजाना फीडिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी ये काफ़ी केयर करते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है आंट चींटियाँ जो होती है, इसके अलावा बीज है जिसमें मधुमक्खी है, मान लीजिए हनी बीज है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट के लार्वी का। अब कुछ लार्वी के कुछ पॉपुलर टर्म भी जैसे प्रपोज्ड है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बटरफ्लाई के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है, ग्रास ऑफर के लार्वी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कुछ टर्म है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे नियाड, ड्रैगन फ्लाई के जो लार्वा होंगे इनको नियाड के नाम से जाना जाता है, कॉकरोच के जो लार्वी होते हैं इनको निम्फ के नाम से जाना जाता है, मक्खियों के जो लार्वा होते हैं इनको मैगट के नाम से जाना जाता है, लाख के जो इंसेक्ट हैं इसके लार्वा को क्रॉलर के नाम से जाना जाता है, बीटल्स के जो लार्वी होते हैं इनको ग्रब के नाम से जाना जाता है, और मोथ और बटरफ्लाई के जो लार्वा होते हैं इनको कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। अब क्लास इंसेक्टा में जैसे दो मेन पार्ट हैं, एटेरिगोटा और टेरिगोटा। एटेरिगोटा के अंदर पंख नहीं होते हैं लेकिन टेरिगोटा में पंख पाए जाते हैं। अब टेरिगोटा में भी फिर दो डिवीजन्स हैं, एक्सोटेरिगोटा एंडोटेरिगोटा।
तो एंडोटेरिगोट जो होते हैं उसके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसलिए एंडोटेरिगोटा के सदस्यों में अंडों से लार्वल स्टेजेस निकलेगी, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगा उसके अंदर प्यूपल स्टेज बनेगी, प्यूपा में फिर मेटामॉर्फोसिस होगा उसके अंदर अडल्ट स्टेज बनेगी। जबकि एक्सोटेरिगोट जो होते हैं इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए उनमें इनकम्प्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अंडों से लार्वा है जैसे वो स्टेज बन सकती है, या अंडों से निम्फ स्टेज बन सकती है, बाद में अडल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है कि लार्वी और निम्फ के अंदर या लार्वा और प्यूपा के अंदर क्या क्या मेन डिफरेंसेस है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, टाइप्स ऑफ लार्वी। एक बार मैं इसको फिर बहुत ही शॉर्ट में नटसेल में मैं एक बार फिर समराइज कर दूँ। इंसेक्ट के लार्वी का जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे पहले बर्डलीज ने दिया था 1913 में, और इन्होंने लार्वी को चार मेन टाइप में डिवाइड किया है, प्रोटोपोड लार्वी, ओलिगोपोड लार्वी, पॉलीपोड लार्वी और एपोडस लार्वी। अब यहाँ पर प्रोटोपोड लार्वी जो है ये पैरासिटिक हाइमनोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, प्लेटिकेस्टर हेमिकाई में पाई जाती है, और इनके अंदर थोरेक्स में नोडुलेटेड अपेंडिजेस पाए जाएंगे, विकसित अंगे नहीं होती है, छोटी छोटी गांठ के समान होती है, और हेड वाले रीजन में एंटीना प्रेजेंट है, मैंडिबल प्रेजेंट है, मैक्सिला प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, एब्डोमेन वाला जो पार्ट है इसमें कोई सेगमेंट नहीं है, और ये बैलून के समान रचना के रूप में प्रेजेंट होता है। ओलिगोपोड लार्वी जो है ये भी पांच तरह के हैं, कंपोडी फॉर्म, कैरेबी फॉर्म, इलेटरी फॉर्म, प्लेटी फॉर्म और स्क्रैबिट फॉर्म। पॉलीपोड लार्वी जो होते हैं ये काफ़ी इलोंगेटेड हैं, इनकी बॉडी में 20 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और हेड को छोड़कर थोरेक्स और एब्डोमेन के हर सेगमेंट में इसमें अपेंडिजेस हैं। और ये जो लार्वी हैं ये मुख्य रूप से लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में, सॉ फ्लाई में, स्कॉर्पियन फ्लाई में इसके अंदर ये पाए जाते हैं। और एपोडस जो टाइप है इनकी तीन फिर सब टाइप्स होती है, जिसमें यूसिफेलस, एसिफेलस और एपोइड टाइप। यूसिफेलस जो है ये रोबस्ट हैं, सी शेप हैं, और ये कोलेप्टेरा डिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। एसिफेलस जो होती है ये डिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। एपोइड टाइप के जो होते हैं ये चींटियों के अंदर और बीज के अंदर पाई जाती है। और ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है, नियार्ड जैसे ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को नियार्ड बोलेंगे, कॉकरोच के लार्वा को निम्फ के नाम से जाना जाएगा, फ्लाइज के लार्वा को मैगट के नाम से जाना जाएगा, लार्क इंसेक्ट के लार्वी को क्रॉलर के नाम से जाना जाता है, बीटल्स के लार्वी को ग्रब के नाम से, और बटरफ्लाई के लार्वी को कैटरपिलर के नाम से। तो ये बहुत ही संक्षेप में शॉर्ट समरी के रूप में आज का अपना व्याख्यान, टाइप्स ऑफ लार्वी। और अंत में मैं मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।